में तार मोड़ मोड़ कर पेड़ की डालियों टाइप से बना लेना है, कुछ अलग अलग तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको बनाना है फ्रेंड्स। और फिर अच्छे से मोड़ मोड़ लेना है, किसी तार की हेल्प से उसको जोड़ लेना है। और अब मिट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स हम इसमें अच्छे से धीरे धीरे सारे में। और अब ये डाली बनाई है फ्रेंड्स बहुत इजी तरीके से, और टूल की हेल्प से हम इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे। ब्रश की हेल्प से अच्छे से चिकना कर लिया है। और अब हम तोते बनाने के लिए मिट्टी लगाएंगे, तार जो बच गए थे इसमें। अब इसके पंख को डिज़ाइन कर लेते हैं फ्रेंड्स दोनों के। बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको टूल की हेल्प से। ऊपर वाला पंख भी बहुत ही इजी तरीके से दिखाया है आपको फ्रेंड्स, जो उड़ते हुए पंख को बना रही हूँ मैं। इसके भी अच्छे से पंख को डिज़ाइन करेंगे फ्रेंड्स टूल की हेल्प से। सो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स आप लोग।
तो अब इसके पैर के लिए हम मिट्टी लगा लेते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से पैर बना लेते हैं फ्रेंड्स। पंख में अलग से मिट्टी लगाएंगे और अब अच्छे से डिज़ाइन करेंगे हम सारे पंख की डिज़ाइन बना लेते हैं पूरे पंख में। और अब फटाफट से कलर कर लेते हैं फ्रेंड्स। येलो कलर कर दिया है मैंने सबसे फर्स्ट में और अब ब्लू कलर से ऊपर अच्छे से कर दिया है और दोनों में अच्छे से अलग अलग तरह के कलर यूज़ करूँगी मैं। रेड कलर कर दिया है दूसरे वाले पैरेट में और ये पेड़ का कलर कर दिया है कत्थई कलर और ब्लैक कलर से। और ये पत्तियों के लिए मैं इस तरह से पेपर को मोड़ूँगी और बहुत ही सिंपल तरीके से जिससे खजूर की जो पत्ते होते हैं उसी तरह से मैं इसके पत्ते को डिज़ाइन करूँगी, उसी तरह से कटिंग करूँगी बहुत ही सिंपल। सो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। फेविकोल पत्ते में लगाकर अच्छे से हमें सारे पत्ते चिपका लेने हैं। सो ये उजाले में मैंने क्लिक की थी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी सो ये अंधेरे में रिकॉर्डिंग की थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।